माई किचन। आज मैं लंच में बनाने जा रही हूँ बहुत ही मजेदार लज्जतदार स्पाइसी मैक्सिकन टैकोस, और बहुत इजीली बन जाते हैं ये, फटाफट बनाते हैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट। लेट्स स्टार्ट कुकिंग। तो इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? इसके लिए मैंने लिया है करीब एक बड़ा कप मैदा, ऑल पर्पज फ्लावर, तीन बड़े आलू जिनको मैंने बॉयल कर लिया है, और दो तीन ड्राई रेड चिलीज हैं, इनको मैंने डीसीड कर लिया है। आप चाहे तो सीड्स के साथ रख सकते हैं, मैं आज थोड़ा कम स्पाइसी बनाने वाली हूँ इसलिए मैंने डीसीड कर लिया है। दो बड़े अनियंस जिनको मैंने लंबा लंबा चॉप कर लिया है, सॉल्ट एंड मिक्स हर्ब्स, थोड़े से बॉइल्ड स्वीट कॉर्न, मोजरेला चीज, मैंने लिया शेजवान सॉस एंड टमाटो केचप, आप चाहे तो चिली सॉस भी ले सकते हैं, बटर, बेकिंग पाउडर किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। तो टैकोस बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आटा बनाएंगे, तो इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन आधा चम्मच सॉल्ट और साथ में 1/4 टीस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं डलेगा, बिल्कुल 1/4 टीस्पून मैं बेकिंग पाउडर डालूंगी, और 2 स्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ वेजिटेबल ऑयल, कोई भी हीटिंग ऑयल, आप जो भी ऑयल यूज़ करते हो वो आप डाल सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करते हुए एक नरम सा डो तैयार कर लेंगे। डो रेडी है, इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा के चारों तरफ इसको हम, देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, हल्का सा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं। इसको हम डो को ढक के 5 से 7 मिनट तक रख देंगे, और जब तक ये हमारा डो 5 से 7 मिनट तक रेस्ट कर रहा है तब तक हम फिलिंग की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मैंने पैन चढ़ा दिया, गैस ऑन कर दिया, अब इसमें पहले मैं रेड चिलीज को ड्राई रोस्ट कर लूँगी। तो ये हमारी चिलीज ड्राई रोस्ट हो गई हैं, बस 1 से 1 मिनट तक, जैसे देखिए हल्का सा ये ब्लैकिश होनी शुरू हो गई हैं, बस 1 मिनट में ये ड्राई रोस्ट हो जाती हैं, इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी, और अब इसी पैन में मैं डालूँगी ऑयल। दो बड़े चम्मच ऑयल डाल के, पैन तो हमारा गर्म ही है, अब इसमें मैं अनियंस डाल दूंगी। अनियंस को हम बहुत अच्छे से भूनेंगे, एकदम अच्छे ब्राउन होने तक भून लेंगे। अनियंस मैंने थोड़े ज़्यादा ही लिए हैं, इनको हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। ये हमारे प्याज भुन गए हैं, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कॉर्न्स, बस कॉर्न्स को तो हमें ये बॉयल्ड वाटर में रखे हुए थे थॉ करने के लिए, बस 1 से 1.5 मिनट तक हम कॉर्न्स के साथ प्याज को भून लेंगे। भूनते भूनते हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, तकरीबन आधा टीस्पून, थोड़ी सी मिक्स हर्ब्स, और आपकी चॉइस है, ऑप्शनल है, मैं ऐड करती हूँ इसलिए बता रही हूँ। मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सी पिज़्ज़ा सीजनिंग, बस जो पिज़्ज़ा के साथ आती है वही वाली सीजनिंग, ये थोड़ा सा फ्लेवर चेंज कर देती है, और इसको अब हम अच्छे से भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट तक चलाते हुए प्याज और कॉर्न्स को अच्छे से भून लेंगे। ये प्याज और कॉर्न हमारे भून गए हैं, मैं गैस बंद कर दूंगी और ये हम स्टफिंग दूसरी तरफ रेडी कर लेंगे। ये जो मिर्ची है इसे हम हाथ से ही क्रश कर लेंगे, और क्रश करके इसी प्याज में मैं ऐड कर लूँगी ये पटैटोस हैं इनको, लेकिन गैस बंद है मेरी। अब ये मिर्ची को मैं इसी में ऐड कर दूँगी, इसको रखेंगे और ये हम पोटैटो स्मैश कर लेंगे अच्छी तरह। ये अनियन हमारे थोड़े से ठंडे हो जाएं, फिर हम इसमें अनियंस भी ऐड कर देंगे।
तो ये हमारे अनियंस भी ठंडे हो गए हैं, तो मैं इसको पोटैटोस के साथ मिक्स कर देती हूँ। बस अब मैं हाथ से ही इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसमें मैं बाकी ऐड कर दूंगी, हाफ टीस्पून जो सॉल्ट था वो, और तकरीबन एक टीस्पून और मिक्स्ड हर्ब्स, और थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग और। और ये इसको एक अच्छा सा मैश होने के बाद एक बहुत अच्छा सा मिक्स हम कर लेंगे। तो ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। स्टफिंग में आप चाहें तो हर टेस्ट अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप मिक्सअप ज़्यादा डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स और ऐड कर सकते हैं, या फिर गार्लिक ब्रेड डाल सकते हैं, गार्लिक ब्रेड नहीं सॉरी गार्लिक मिक्स डाल सकते हैं, गार्लिक पाउडर डाल सकते हैं, वट एवर फ्लेवर यू वॉन्ट टू हैव आप ले सकते हैं। और हम देखते हैं हमारा आटा, ये हमारा डो रेडी है। इसको हम एक बार और हल्का सा तेल लगा के मल लेंगे। तो ये डो हमने अच्छे से मल लिया है। अब हम इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे, आप अपने हिसाब से जिस भी साइज़ का लेना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं टाकोस को, उसी हिसाब से आप अपनी लोइयाँ तोड़ सकते हैं। तो मैंने ये इसको मैं बेल लूँगी, थोड़ा सा सूखा आटा लगा के, सूखा मैदा, और इसको बेल लूँगी। ये हमने एक बेल लिया है, देखिए ऐसी बहुत ज़्यादा पतली नहीं, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, तो हमें ऐसा बेलना है। सिमिलरली मैं एक और बेल लूँगी। तो ये हमारा पैन गर्म हो गया है, पैन में हमें दोनों साइड से हल्का 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 गोल्डन तक ब्राउन तक होने, बहुत पूरा हमें सेकना नहीं है, थोड़ा कच्चा पक्का इसको रखना है। जब तक मैं दूसरी बेल रही हूँ हमारी एक रेडी हो जाएगा टाको, उसको थोड़ा कच्चा पक्का सेक लेंगे। तो ये हमारा हल्का सा सिक गया है, अभी ऐसे ही हम दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे, हल्का कच्चा पक्का हमको सेकना है। तो इस तरह से मैं ये दोनों टाकोस सेक लूँगी। तो देखिए ये हमारे दो टाकोस रेडी हैं, अब मैं इनकी फिलिंग करूँगी। फिलिंग के लिए मैं पहले एक सॉस बना रही हूँ। ये टमाटो केचप लिया है मैंने, एक चम्मच, एक से डेढ़ चम्मच टमाटो केचप डाल रही हूँ, और इसमें मैं शेजवान चटनी मिक्स कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तीखी होती है इसलिए, क्योंकि हमने चिली फ्लेक्स भी बहुत सारे डाले हैं, तो ये मैं मिक्स कर रही हूँ। अब हम इसको स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर अच्छे से। इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है, आपकी चॉइस है आप कितना डालना चाहते हैं। एक पतली सी लेयर मैंने लगा दी है इसके ऊपर। अब मैं इसके ऊपर चीज़ डालूँगी, और चीज़ की भी क्वांटिटी आप अपनी चॉइस से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। मेरे यहाँ थोड़ा ज़्यादा चीज़, मेरी डॉटर को बड़ा चीज़ी चीज़ी चीज़ें पसंद है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ डाल रही हूँ। और अब मैं इसमें डालूँगी अपनी पोटैटो की स्टफिंग, पोटैटो कॉर्न की स्टफिंग जो मैंने तैयार की है, मैं हाथ से ही फिल कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैं पोटैटो कॉर्न की स्टफिंग इसमें डाल दूँगी, और फिर उसके ऊपर एक छोटी सी लेयर मैं चीज़ की लगाऊँगी। थोड़े चीज़ी बनने वाले हैं, टेस्ट में बहुत यम। इसको ऐसे फिल करके अब हम इसको, हमारे टैकोस देखिए रेडी हैं सिकने के लिए। अब मैं इनको थोड़ा सा बटर में सेक लूँगी। तो ये हम पैन में थोड़ा सा बटर लगा दिया मैंने, अब मैं बटर के ऊपर अपने टैकोस को सेक लूँगी। बिल्कुल डिफरेंट किस्म के टैकोस हैं जो घर में मिले बने, हम घर पे अवेलेबल इंग्रेडिएंट से ही बना लेते हैं। इसमें कुछ भी मैंने स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं ऐड किया है जो हमारे घर में ना अवेलेबल। अब इसको हम एक तरफ से हल्का ब्राउन होने तक सेक लेंगे, और सिमिलरली हम दूसरी साइड से सेक लेंगे। टाइम लगेगा इसको, एक से डेढ़ मिनट लगेगा सिकने के लिए, तभी हम इसको सेक लेंगे। हम चेक कर लेते हैं, एक तरफ से अगर हमारा सिक गया तो हम दूसरी तरफ, यस देखिए कितना अच्छा सिक गया है। अब हम सिमिलरली दूसरी साइड से भी सेक लेंगे, हल्का सा बटर लगा के, ऊपर से तो बटर लगा ही है। इसको हम अच्छे से दोनों तरफ से सेक लेंगे, थोड़ा क्रिस्पी होने तक, एकदम मार्केट जैसे बनेंगे ये, बहुत बढ़िया।
मिठाई में। अब इसको थोड़ा एक 30 सेकेंड टू 1 मिनट लगेगा सिकने के लिए। ये दूसरी साइड से भी सिक गया है, अब हम इसको पकड़ के नीचे से भी सेक लेंगे। सिमिलरली मैं एक और तैयार कर लूँगी। तो ये हमने दूसरा भी डाल दिया है, अब लेट्स सी। एक तरफ से ये हो गए, थोड़ा लो से मीडियम फ्लेम पे हम इसे सेक लेंगे दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह। और इसको हम थोड़ा सा बटर और लगा देंगे और ये हमारे एकदम क्रिस्पी टैकोस, मैक्सिकन टैकोस बन के रेडी हो गए। तो ये हमारा दूसरी साइड से भी सिक गया है, देखिए एकदम बढ़िया। अब हम इसको थोड़ा सा एक टोंग से पकड़ के, तो नीचे से अगर थोड़ा सा क्रिस्पीनेस रह गई हो तो वो भी हम अच्छे से सेक लेंगे। देखिए हमारे मैक्सिकन टैकोस बन के रेडी हैं, एकदम कैसे बढ़िया मज़ेदार, एकदम बढ़िया फिलिंग। और अब बारी है एक टिप की। तो टिप के लिए जैसे हम प्याज काटते हैं, अनियंस काटते हैं तो हमारी आंखों में बहुत लगता है, तो उसका एक अच्छा सा तरीका है कि हम अनियंस को छील लें और छील के थोड़ी देर पानी में रखते हैं, दो पार्ट्स में कट करके पानी में रखते हैं। 10 मिनट आप पानी में रख देंगे, या आप उसे किसी एयरटाइट डिब्बे में डाल के फ्रिज में भी रख सकते हैं और फिर आप उसे काटिए, वो बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा। या फिर जब हमें गार्लिक छीलना होता है, गार्लिक पील करना होता है, तो बड़ी डिफिकल्टी आती है। तो आपको इसको, इसकी क्लब्स को निकाल लेना है, या इसको एज इट इज आप माइक्रोवेव में रख दीजिए 30-40 सेकेंड्स के लिए। इसे माइक्रोवेव करिए इसके क्लब्स को, और फिर देखिए आपके पील्स बहुत इजीली निकल आएंगे। आपको मेरी वीडियोस और रेसिपीज कैसी लगती हैं? इफ यू लाइक माय रेसिपीज, इफ यू लाइक माय टिप्स, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दी रेसिपीज विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड सब्सक्राइब माय चैनल, गिव मी अ थम्स अप और हिट द बेल आइकन।